उमरिया के नेशनल हाईवे 43 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाघ शावक की मौत हो गई। बाघ शावक की उम्र 2 से 4 महीने के बीच बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। किसी वाहन ने बाघ शावक को कुचल दिया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उसका शव सड़क के बीच पड़ा रहा। सुबह जब राहगीरों ने बाघ शावक को मृत अवस्था में देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी। यह घटना घुनघुटी रेंज की है। घुनघुटी रेंज में पिछले काफी समय से कई बाघ सक्रिय हैं। जंगल नेशनल हाईवे के दोनों तरफ है, इसीलिए अक्सर जानवर सड़क पार करते हैं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। नेशनल हाईवे पर सूचना के बावजूद लोग वाहन तेज चलाते हैं, जिसका शिकार जंगल के जानवर हो रहे हैं। हाईवे पर कहीं भी वन नाका नहीं है जो वाहनों की स्पीड पर नजर रख सके। यही कारण है कि घुनघुटी के आसपास कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।